ये देखिए गाइस, टी गार्ड है दोनों साइड पे, देखते में काफी बढ़िया लग रहा है। हाईवे का साथ में मतलब काफी मैच्योर है। कौन से गाइस और हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेनो बिफोर राइडर एंड होप यू गाइस आप लोग काफी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। एंड गाइज आई नीड योर हेल्प टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज आप लोगों को भी बताइए मतलब हर क्रिएटर को आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी को चाहिए होता है। एंड गाइज थैंक्स यू दोस्त हु आर सपोर्टिंग मी बिकॉज आपकी एक सब्सक्राइबर से मुझे आगे बढ़ने बहुत ही हेल्प करता है। और गाइज अभी मैं हूँ ये बोगीबिल ब्रिज में और ये बोगीबिल ब्रिज से ये हमारा अरुणाचल और आसाम का मतलब नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल आसाम का मतलब हाइस्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये, आप लोग सुना होगा जरूर। आज मैं जा रहा हूँ ये डिब्रुगढ़ सबुआ, जो मेरा बाइक का शोरूम से फोन आया था कि मेरा बाइक का आरसी बुक जो आ गया, सो गाइस वही लेने जा रहे हैं आज। और आज भी मेरा गोविंद भाई जा रहे हैं और मतलब मेरा यूट्यूब फैमिली के साथ में गोविंद भाई को थैंक्स कहना चाहता हूँ बिकॉज मेरे चैनल के लिए बहुत ही हेल्प दे रहा है ये बंडा। हेल्प तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना, दोस्त हो तो हेल्प भी करना पड़ेगा। हाँ और होप यू गाइस आप लोग भी मेरा भाई की तरह मेरा चैनल को हमेशा प्यार सपोर्ट देते रहेगा। तो गाइस मैं ये बोगी ब्रिज को थोड़ा सा दिखा लेता हूँ। और गाइस आज का धूप को तो बोलो ही मत यार, ये देखिए हम मेरा आँख ही खुल ही नहीं पा रहा यार, इतना धूप है आज। सो मैं थोड़ा सा दिखा लेता हूँ बोगी ब्रिज, हम लोग ये बोगीबिल ब्रिज का बीच में है मतलब मिडिल सेंटर में है। सो गाइस ये देखिए बोगीबिल मतलब लोगों को पता ही है विंटर सीजन है, पानी कुछ भी नहीं है मतलब सब कुछ सूख गया है। सो गाइस और मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को ये ब्रिज कैसा है। हो रहा मेरा गोविंद भाई, ये देखिए बोगीबिल ऊपर से इस तरह सा व्यू आता है, ये नीचे देखो पानी नहीं है मतलब विंटर सीजन है, सब कुछ सूख गया है पानी। तो गाइस मैं वो साइड को भी दिखा देता हूँ, ये रहा ये साइड से ऐसा देखते हैं। और गाइस ये बोगीबिल ब्रिज हमारा घर से अराउंड 10-15 किलोमीटर ही मतलब डिस्टेंस है, फिर भी आज फर्स्ट टाइम है मतलब ये बोगीबिल ब्रिज में आया मतलब जाते रहता है लेकिन आके ऐसा वीडियो नहीं बने और फोटो वगैरह नहीं खींचे, आज फर्स्ट टाइम है यार। आज फर्स्ट टाइम आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज ये मेरा गोविंद भाई वो तो भी मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है बोल रहे हैं। अभी अभी तक खींचा नहीं है, हम लोगों का घर से इतना दूर भी नहीं है लेकिन एक फोटो भी खींच नहीं पाया था, आज तो खींच ही लेगा। हम दोनों एक ही बस्ती का है मतलब एक ही गांव का है। तो गाइस फिर भी मतलब फर्स्ट टाइम है यार, इतना नजदीक है हमारा घर से, फिर भी मतलब आज तक मतलब फोटो तो कुछ भी नहीं खींचते यहाँ आके। तो गाइस आप लोग को ये ब्रिज कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। और आज का वीडियो बहुत धमाका होने वाला है, देख रही है आप। और गाइस और भी बहुत वीडियो धमाका होने वाला है। आरसी बुक जो है उनका बहुत जल्दी पहुंच गया है, मेरा बाइक का आरसी बुक अभी तक आया नहीं है। इसका 7 मंथ आ गया, इसका बाइक का आरसी बुक अभी तक आया ही नहीं है, मतलब मेरा तो सिर्फ 10 महीना हुआ है ना। मेरा 1 महीना 10 दिन हुआ है मेरा बाइक का, तो इतना जल्दी मेरा आरसी बुक आ गया तो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा दिल। और ये देखिए गाइस कितना कूल प्लेस है ये, है कि नहीं गोविंद भाई? हाँ ये भी फर्स्ट टाइम है मतलब वो भी फर्स्ट टाइम आके फोटो मार रहे, इसके भी बहुत ही हैप्पी फील हो रहे बोल रहे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट अ वीडियो, आप लोग भी वीडियो में बने रहिए गाइस। तो लेट्स स्टार्ट अगेन गाइस। और ये बोगीबिल ब्रिज को ही देखे थोड़ा सा एज कीजिए गाइस। और ये ब्रिज है बिटवीन डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, और ये ब्रिज हमारा इंडिया का 5 नंबर हाईएस्ट लॉन्गेस्ट ब्रिजों में है गाइस, आप लोग भी जरूर सुना ही होगा। फाइनली गाइस बोगीबिल ब्रिज क्रॉस कर लिया। और गाइस जब से ये बोगीबिल ब्रिज चालू हो गया तब से ये पूरा रास्ता ही चेंज हो गया, मतलब हम लोग कभी चौथा ही नहीं था, इसमें भी एक तो हाईवे बैठेगा यार, काफी बढ़िया लग रहा है और चलाने में काफी मजा है, रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है गाइस। और गाइस मैं आप लोगों को कमिटमेंट देता हूँ कि आसाम में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है हर गली गली जाके मैं ब्लॉग बना दूंगा आप लोगों के लिए, और इसके लिए मेरा चैनल को आप लोग जल्दी से मोनेटाइजेशन कर देना पड़ेगा गाइस।
और ये राइट साइड से शिवसागर जोरहाट चलते हैं और लेफ्ट साइड से डिब्रूगढ़ तिनसुकिया सबुआ। सो हम लोग लेफ्ट साइड से जाएगा क्योंकि हम लोग को सबुआ जाना है। और ये देखिए गाइस काफी खूबसूरत सा बना हुआ है, सेल कर रहा होगा ना। और ये देखिए गाइस टी गार्डन है दोनों साइड में, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। हाईवे का साथ में मतलब काफी मैच्योर है। गाइस मेरा घर ये टी गार्डन का बगल में होता तो कितना मजा आना था गाइस ना, रोज आके फोटो रील्स बनाना था यार। फाइनली डिब्रूगढ़ पहुंच गए गाइस और हम लोग बाईपास होकर जा रहे हैं क्योंकि मेन रास्ते इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज उसमें अभी बहुत ही पुलिस चेकिंग चल रहा है। मतलब तो अपना भाई तो आरसी बुक तो लेने ही जा रहे हैं, अभी तो नहीं है अपना भाई का आरसी बुक। सो मतलब कुछ दिक्कत हो भी सकता है बोल के हम लोग ये मतलब शॉर्टकट से जा रहे हैं बाईपास से, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग भी अगर डिब्रूगढ़ तिनसुकिया सबुआ जाना है तो बाईपास होकर जाना है। ये देखिए रास्ता भी काफ़ी क्लीन है, काफ़ी बड़े है रास्ता भी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें कोई सेकंड वगैरह भी नहीं है। एंड होप यू गाइस आप लोग मुझे बहुत ही प्यार सपोर्ट दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मुझे मतलब लाइफ टाइम के लिए इतना ही प्यार सपोर्ट देते रहेगा। फाइनली डिब्रूगढ़ क्रॉस कर लिया गाइस, अभी जाना है सबुआ। और ये देखिए गाइस हाईवे रोड और ये ट्रेन का ट्रैक साथ में बना है। अगर आप लोग भी तिनसुकिया जाने का रास्ता भूल जाने से सीधा मतलब ये ट्रेन का ट्रैक को पकड़ना है, ये सीधा तिनसुकिया तक पहुंच जाएगा। और गाइस अगर आप लोग भी मेरा चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा देना ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। और गाइस अगर मेरा वीडियो में विजिट किया है तो एक तो कमेंट जरूर देके जाना क्योंकि जितना आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट देके मेरे को मोटिवेट करेगा हम भी इतना ही मतलब हम लोग को अच्छा अच्छा वीडियो दे सकेगा गाइस। सो फाइनली पहुंच गया गाइस शोरूम में। देखिए गाइस फाइनली अपना भाई का आरसी बुक मिल गया। आज तो बेनू भाई पार्टी देना पड़ेगा। हाँ पार्टी तो बनेगा जरूर। देखिए गाइस ये मिल गया तो अभी फिर आउट भी जा सकता है शूट के लिए। आरसी बुक तो मिल गया गाइस, अभी फिर नंबर प्लेट लगाने जाना है। यही में है बोल रहा है कहीं मतलब ये सर्विस सेंटर यमहा वर्ल्ड सर्विस सेंटर पता नहीं कहाँ है, थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं गाइस। सर्विस सेंटर को ढूंढ ढूंढ के थक गया यार गाइस, हाईवे से बहुत ही अंडर घुसना पड़ता है। तो गाइस इसमें अभी नंबर प्लेट लगाएगा। वो देखिए मेरा गोविंद भाई थक गया बेचारा। I don't know why you left me bleeding with a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. फाइनली अपना भाई का आरसी बुक मिल गया। और ये देखिए नंबर प्लेट भी आ गया था, ये भी इंस्टॉल कर लिया अभी। और देखिए पीछे का भी हम दिखा देता हूँ, नंबर प्लेट लगाने के बाद कैसा दिखेगा हम लोगों में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए गाइस मेरा बम्पर या नंबर प्लेट लगाने के बाद इस तरह से दिखता है और मैं आगे से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस आगे से भी काफी बढ़िया लुक आ रहा है। ये देखिए गाइस फाइनली आरसी बुक मिल गया, ये नंबर प्लेट इंस्टॉल कर दिया गाइस। अभी आप लोग के लिए हम दूर दूर तक जाके ब्लॉग बना सकूंगा गाइस, तो आप लोग मेरा चैनल पे सपोर्ट प्यार देते रहिए। और ये बोगीबील ब्रिज का इवनिंग व्यू देखिए गाइस, ओ कूल है कूल। वो देखो एस4 शिप जा रहा है नहीं फोर एस4 शिप। उस
उस तरफ रिसोर्ट वगैरह है कंचनजंगा का, तो एक दिन उससे भी जाके दिखा दूंगा आप लोगों को। अब ये नंबर प्लेट मिल गया, ये आरसी बुक मिल गया, तो हर जगह जाके आप लोगों को मैं ब्लॉग बना दूंगा आप लोग के लिए। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा।